कॉमेडी की परफॉर्मेंस बच्चा लेकर आ रहा है, शिवांश। हेलो एवरीवन, यार इग्नोर कर रहे हो आंटी। हेलो, मैं सच में बोल रहा हूँ। हेलो एवरीवन, सर हेलो। हेलो सर, मेरा नाम शिवांश है, मैं थनीकपुरा से आया हूँ। मैं आपको यहाँ पे कॉमेडी में बताऊँगा। यहाँ पे बच्चों के अलावा ज़्यादा करके शादी हो चुकी है। शादी में क्या सोचते हैं लोग कि हम अच्छे से रहेंगे। मैं अपने बाबा को बता रहा हूँ, बाबा की शादी हुई है, वो दादी से लिटरली बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। एक बार दादी घूमने गए थे, बाबा बाहर खाना खा रहे थे, मैंने बस मम्मा को इतना बोला माँ दादी आने वाले हैं। बाबा का खाते खाते गला सूख गया, बाबा खांसने लग पड़े, आधे घंटे तक खांसते रहे। फिर मैं बोला अभी है हफ्ता, फिर बाबा शांत हुए ऐसा। और फिर एक दिन से अगले दिन एकदम से दादी आ गए और बाबे को चढ़ा 102 बुखार एकदम से, और हफ्ते भर बाबे को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ गए। मैं कितना डर है ऐसे। सर वैसे मैं आपसे पूछना था, आपने मुझे पहचाना? सर वही हूँ, आपने सर कभी भी नहीं पहचाना था, भूल गए? आप भूल गए सर, आपके याददाश्त नहीं इतनी ज़्यादा। चलो सर मैं अपने भाई का बताता हूँ। सर मैं अपने भाई का बताता हूँ। तो मेरा भाई अभी कॉलेज में हो रहा है, तो जब हम छोटे थे हम बैट बॉल खेल रहे, आपने दादी बाबा का मैं देखा होता था, उसका बहुत छोटा होता था, तो हम उसके अंदर खेल रहे थे, हमको मना ही बहुत करते। तो वो कमरा 6x6 का ऐसा कमरा था, आप बीच में खड़े हो गए ना, बैट 1 रन 2 रन 3 रन 4 रन ऐसे आप रन ले सकते हो, ऐसा था। और मेरे भाई ने शॉट मारा, बड़े भाई ने, उसका सर फट गया यहाँ से, उसका बेहोश हो गया। मेरे भाई जो बॉल मार रहा था, दूसरा भाई बोलता ये चीटिंग कर रहा है, जब इसको पता चल गया इसकी टर्न खत्म होगी, बेहोश हो रहा है, मुझे भाई टर्न नहीं देगा, ऐसे बोल रहा। और मैंने बोला था सर फट गया है। आधे घंटे बाद जाके जब उसको होश आया, बोलता रुई ला रुई। मैं बोला रुई क्यों चाहिए? बोलता मेरा सर फट गया, मैं थोड़ा ढक लूँ इसको। मैं बोला रुई नहीं, इसका गद्दा लगेगा। फिर हमने जैसे तैसे उसको संभाला और एक महीने तक किसी को नहीं बताया। मेरे भाई ने टोपी डाल के रखी, बोला आजकल का नया फैशन है। एक महीने बाद जाके घर पे वाला चला, इसका सर फोड़ा हुआ अपना। फिर बेचारे के 3 ऑपरेशन हुए, और जो उसको गालियाँ पड़ी ना, अब तक सुन के मज़ा आ जाता है। और आपके लंबे बालों का देखा है, जिनका लंबे बाल का शौक है वो खड़े कर लेते हैं। पहले तो मैं सोचता खड़े करते कैसे हैं, बिजली का खंभे जाते थे हाथ लगाते थे खड़े हो गए बाल, मैं वो देखा था करके। मेरा भाई अपना को इलेक्ट्रीशियन समझता है, दादी बाबा का टीवी था उसे ख़राब कर दिया, बोलता टीवी नहीं चल रहा मैं देखता हूँ, पूरे पुर्जे खोले, पता नहीं एक तार पे हाथ लगाया था उसने, स्विच ऑन किया एकदम ऐसा करंट बजा उसको, 12 बजे उन्ना हॉस्पिटल लेके गए थे उसको, बोलता इसको देखो। और वहाँ पर जाके जागा और सबसे पहले पूछा टीवी चल पड़ा ना, बोला क्या टीवी चल पड़ा, बोलता कि मैं ठीक कर रहा, मेरे चल पड़ा ब्लास्ट हो गया और घर उड़ते उड़ते बचा उसके चक्कर में, ऐसे उसकी हरकत है। और हम जैसे बहन आ गई, लेकिन जहाँ पे 3 भाई हो ना, उनके दिमाग में कभी ढंग का आ ही नहीं सकता कि मैं एकदम ढंग से रहूँ, मैं इनकी हेल्प कर दूँ। उनके दिमाग में आता है हमेशा उल्टा उल्टा, जानते हो उल्टा। हम एक बार आम के पेड़ पर चढ़े और हमने डाली तोड़ दी, और उसके बाद क्या कर रहे हम, ये सोचा डाली चिपकाएंगे ऐसे, और मेरा बड़ा भाई टेप लेके आ रहा है, टेप से चिपका दो इसको, मतलब पागल है तू, साइंस पढ़ ली उसने, तूने ये टेप से चिपका दो, ऐसे उसके हरकत सी। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚ ਵੀ KKHD, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ, ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9047373733 9047373733।